हेलो व्यूअर्स, आप सभी कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज केकड़े और समुद्र की कहानी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे आखिर केकड़े ने समुद्र को डांट क्यों लगाई। चलिए शुरू करते हैं। एक केकड़ा था जो कि समुद्र के किनारे चलते जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता और पीछे घूमकर देखता है कि उसके पैर के निशान बनते जा रहे हैं, और उसे वो देखकर काफी खुश होता कि काफी सुंदर पैर के निशान उसके बनते जा रहे थे। वो आगे बढ़ते जाता, पीछे घूमकर देखता और अपने पैर के निशान को देखकर काफी खुश होता। अचानक हुआ क्या कि समुद्र की तेज लहरों ने उसके पैर के निशान को मिटा दिए। इतने में केकड़ा जो काफी गुस्सा हुआ और बोला, ए दोस्त, ए समुद्र, मेरे दोस्त, तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो समुद्र बोला, देख मेरे दोस्त, देख मेरे भाई, तुम्हारे पीछे मछुआरे पड़े हुए हैं जो कि पैरों के निशान को ढूंढते हुए केकड़ों को पकड़ रहे हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करता, तुम्हारे निशान पैरों के नहीं मिटाते, तो वो तुम्हें पकड़ लेते हैं। बस मैंने क्या किया कि तुमको बचाने के लिए तुम्हारे पैर के निशान को मिटा दिए। देखिए, सच यही है कि कई बार हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते और अपने सोच अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं। दरअसल हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अतः मन में बैर लाने से बेहतर है कि सोच समझकर हर बातों का निष्कर्ष निकालें और जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं।